पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार थाना इलाके के श्रीराम कॉलोनी में एक जर्जर मकान के गिरने से दो बच्चों की मौत की खबर आ रही है, जबकि दो बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के वक्त चारों बच्चे जर्जर मकान के पास खेल रहे थे, तभी मकान का छज्जा नीचे गिर गया, जिससे चारों बच्चे मलबे के नीचे दब गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जबकि मकान मालिक की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अचानक ही एक मकान 3-4 साल से बंद पड़ा था, जो काफी जर्जर स्थिति में था। पीछे हमारे कॉलोनी के प्रधान ने एमसीडी को जो है एप्लीकेशन भी दिया था कि ये 2-3 मकान जर्जर पड़े हुए हैं, इस पे जो है आप लोग कार्रवाई करो कुछ, या इसे ढहाने देने का जो भी एप्लीकेशन दिया वो उनसे पता लगेगा। और उसके बाद जो है उन्होंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये मकान कल अपने आप गली के बच्चों के बाहर जो खेल रहे थे उनके ऊपर गिर गया, और गिरते ही काफी अफरातफरी मची। जो यहाँ पे मौजूद लोग थे वो बच्चों को मलबे के नीचे से निकाल के दो बच्चों को तुरंत ही संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया।